हेलो फ्रेंड्स, डीएलएस न्यूज के एक नए और फ्रेश वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज का जो वीडियो काफी स्पेशल और धमाकेदार खबर के साथ आया है। अगर आपका भी भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई के अंदर खाता है तो आपको इस वीडियो को एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देख लेना चाहिए और समझ लेना चाहिए। मैं आपको एक बार फिर से अलर्ट कर रहा हूँ कि एकदम एक एक चीज को खुल के समझना, क्योंकि आपका भारतीय स्टेट बैंक के खाते के अंदर जो जमा पैसे हैं उनका सवाल है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि आखिर क्या कुछ लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स और ट्रेंडिंग अपडेट्स जो कि भारतीय स्टेट बैंक की ओर से निकल कर आ रही है। दोस्तों यहाँ पर भी आप देख सकते हैं गूगल के अंदर ये लेटेस्ट अपडेट आ रहा है। एक घंटे पहले अमर उजाला की तरफ से एक खबर पब्लिश हुई है कि सावधान, अगर एसबीआई डेबिट क्रेडिट कार्ड होल्डर भूल कर भी ना करें ये गलती। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों लेटेस्ट खबर पब्लिश हुई है ये 6 मार्च 2018 की 7:36 AM के ऊपर लगाई गई है खबर कि अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कस्टमर है और डेबिट क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हैं तो थोड़ा सावधान रहिए, आपकी जरा सी हड़बड़ाहट जो है काफी गड़बड़ी कर सकती है। तो दोस्तों फटाफट से जानते हैं कि क्या कुछ है लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स और डिटेल्स। इससे पहले दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप डीएलएस न्यूज पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज आपके वीडियो के नीचे जो लाल बटन दिया गया है फटाफट से इस पर क्लिक करके इसे अभी सब्सक्राइब कर लेना, और इसके पास में आपको मिलेगा एक छोटा सा नन्ना सा बेल आइकन, उसको भी दबाना मत भूलना ताकि आप इसी काम की खबरों से हमेशा अपडेट रह पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं डीएलएस न्यूज पर हर रोज आपके लिए लेटेस्ट न्यूज अपडेट ट्रेंडिंग वीडियो जो कि आपकी डेली लाइफ के लिए डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली काफी कुछ हेल्पफुल होते हैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। तो ऐसे में आप सब्सक्राइब करने के बाद कभी कोई इंपॉर्टेंट चीज मिस नहीं कर पाएंगे। और दोस्तों आप लोग मुझसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को देखते तो परंतु लाइक नहीं करते, तो वीडियो के नीचे जो लाइक का बटन दिया होता है उसे जरूर दबाया करें, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने का। तो चलिए अब मैं आपको फटाफट से ले चलता हूँ भारतीय स्टेट बैंक के इस बड़े खबर और अलर्ट की तरफ। जैसा कि आप सभी को पता होगा दोस्तों कि वीडियो की तरफ आगे बढ़ने से पहले हम जानते रहते हैं कि डीएलएस माइंड क्विज क्वेश्चंस। तो आज का जो आपका माइंड क्विज क्वेश्चंस है वो स्क्रीन के सामने आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन थोड़ा टफ है लेकिन आपके इजी के लिए यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए दोस्तों, नागपुर, दिल्ली, मुंबई या फिर भोपाल। सही ऑप्शन देने वालों को मिलेगा डीएलएस न्यूज की तरफ से एक सरप्राइज गिफ्ट जो कि हम रेंडमली यूजर्स को सेलेक्ट करके कमेंट बॉक्स में से भेजते रहते हैं। तो जल्दी से आपको इन चारों में से एक ऑप्शन इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालना है। अगर आपको नहीं आता है तो भी आप अपनी किस्मत आजमाने के लिए रैंडम ऑप्शन लिख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं आज के इस बड़े अलर्ट की। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों हम आ गए अमर उजाला की इस वेबसाइट की तरफ। और दोस्तों ये बड़ी खबर जानने से पहले मैं आपको एक छोटा सा अलर्ट दे दूं जो कि मैं पिछली भी कई वीडियो के अंदर दे चुका हूँ। भारतीय स्टेट बैंक की तरफ से बार बार ये नोटिफिकेशन भी आ रहा है कि अगर आपने अभी तक अपना आधार कार्ड जो अपने बैंक अकाउंट से लिंक नहीं कराया दोस्तों, तो 31 मार्च 2018 इसकी लास्ट डेट है और आप जो है 4 तरीकों से आधार कार्ड अपने बैंक अकाउंट से लिंक करवा सकते हैं। एसबीआई के इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम, ब्रांच में जाकर के या फिर योनो एसबीआई ऐप जो कि आपको प्ले स्टोर के ऊपर मिल जाएगा। तो ये तो रहा छोटा सा अलर्ट, और बात करते हैं इस बड़ी खबर की दोस्तों। तो एसबीआई क्रेडिट या डेबिट कार्ड अगर आप भी यूज करते हैं तो आजकल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोगों को एक मैसेज आ रहा है और उस मैसेज के अंदर लिखा हुआ आ रहा है कि एसबीआई डियर कार्ड होल्डर, योर क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड हैज बीन टेम्परेरी ब्लॉक्ड फॉर कार्ड प्रिंटेड डिटेल्स वेरिफिकेशन रीजन, कॉन्टेक्ट 8826795711। तो कुल मिलाकर के इसका जो मतलब है दोस्तों, ऐसा मैसेज लोगों को मिल रहा है, आपके फोन में भी अगर मिल रहा है तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि इस मैसेज के अंदर लिखा हुआ आ रहा है कि आप अपनी कार्ड डिटेल बता करके वेरिफिकेशन करवाएं। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि बैंकों की तरफ से ऐसा कोई कॉल या मैसेज नहीं आता है जिससे आपको फोन करके आपकी बैंक डिटेल, आपकी अकाउंट डिटेल या एटीएम डेबिट क्रेडिट कार्ड डिटेल पूछी जाए, क्योंकि ऐसा करके आप बता करके आप अपने ही बैंक अकाउंट को हैक करवा सकते हैं। गड़बड़ी के तौर पर, वेरिफिकेशन के तौर पर आप अपने ही बैंक कार्ड डिटेल की जो है इन्फॉर्मेशन है वो लीक कर सकते हैं पब्लिक में, और इससे आपको काफी नुकसान भुगतना पड़ सकता है। आए दिन आप खबरों में देखते रहते होंगे कि मैसेज मिलता है सीधा ही 1 लाख डेबिटेड फ्रॉम योर अकाउंट, 50,000 डेबिटेड योर अकाउंट। तो ऐसे में आपको ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे कि आपके आधार कार्ड डिटेल या बैंक अकाउंट डिटेल आप पब्लिक में शेयर करो। तो उम्मीद करता हूं अपडेट आपको मिल गया होगा। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ फेसबुक पर शेयर कर दीजिए और डीएलएस माइंड क्विज क्वेश्चंस का जवाब देते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।